ये बड़ी गाड़ी चाहिए मुझे बड़ा घर, चाहिए इतना पैसा हाथ से खून जला कर, पर पे सारे चाहिए खुश बिना वजह के, फैशन से मैं आने देना ज्यादा कमा कर। चाहिए बड़ी गाड़ी चाहिए मुझे बड़ा घर, चाहिए इतना पैसा हाथ से खून जला कर, घर पे सारे चाहिए खुश बिना वजह के, फैशन से मैं अपने देना चाहता कमा कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शशांक इस चैनल का होस्ट, और अभी जिसको हम सुनने वाले हैं वो है सीधे मौत, नादान, आज़ादी रिकॉर्ड्स, और दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम अ मिक्स टेप। नाउ लाइक पिछले 4-5 हफ्तों से कुछ ना चलते जा रहा है, कुछ आइडिया नहीं है लोगों को क्या चल रहा है। आधे लोगों को यही नहीं पता था भाई के नान चाकू, नमस्तुते, लाइक जब से ये लोग नाना करते गए ना, मतलब जितनी बार इन्होंने, तब लोगों को समझ में आने लगा कि नमस्तुते और नान चाकू और एक और कौन सा गाना था यार, अरे यार एक और गाना था भाई, वो भी था, और ये नादान, सारे एक ही मिक्स टेप के हैं जिसका नाम है ना, और इसमें सारे गाने ना से ही स्टार्ट है, लाइक गानों का नाम ना से ही स्टार्ट है। सो अभी है नादान, जिसमें से हमने और एक नौ एनेमा भी गाना था जो फॉरेन बैगर्स के साथ था, गाना बहुत तगड़ा था वो, तो वो भी था। अभी नादान सुनते हैं, नादान सुन के देखते हैं कैसा गाना है, आ जाओ बिना किसी देरी के। बाकी अभी और भी गाने बचे, आई डोंट नो उनकी वीडियो आएगी या वो ऑलरेडी आ चुके हैं, मेरे को देखना पड़ेगा ऑडियो प्लेटफॉर्म पे इन सब वगैरह पे। तो अभी ये सुनते हैं, नादान पे फोकस करते हैं, आ जाओ बिना किसी देरी के। 1 2 3 लेट्स गो। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ आ रहा है, क्योंकि ये शूटिंग वूटिंग में लग रहा था, ये लोकेशन वोकेशन एंकोर के एबीजे के शूज वूज गंदे हो गए थे, तो मे बी इसी शूट में हुए हो। वो अकेले में जो पकड़े सर खो, वो जो ढूंढे हैं वो नहीं, यहाँ बताया गया है वो चीज़, ओहू वैसी कि उसके लिए कोई जगह नहीं। भाई क्या क्या वाइब, क्या है ये गाना, मतलब बिल्कुल ही काया पलट गाना बना दिया इन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि आई एम सरप्राइज्ड, बट जिस तरीके से एक जो इन्होंने इन लोगों ने बंदों को वाइब दी है इससे पहले, लाइक लगातार 4-5 गाने ऐसे दिए इन लोगों ने, मतलब खतरनाक गाने दिए हैं, नान चाकू जैसे, नमस्तुते टाइप गाने इन्होंने स्किल्स अपनी दिखाई है, ये सब ये ऐसे वाले गाने, समझ रहे हो ना, मतलब थोड़े जिसमें राइम स्कीम्स, टेक्निकलिटीज़, फ्लोज वगैरह तुम सब मिल सके, तो उन्होंने ऐसे गाने निकाले। लेकिन अभी सडनली इन्होंने पता नहीं क्या दे दिया अचानक से, भाई मेरे को बिल्कुल ही सरप्राइज हुआ ये गाना। ऐसा नहीं है कि मैं सीधे मौत से ये इस टाइप का गाना पहली बार सुन रहा हूँ। तुमने अगर सांस ले नहीं सुना, सुनो जाके, बयान एल्बम पूरी सुनो, उसमें तुम्हें सारे तरह के गाने मिलेंगे सुनने को। एंड उससे पहले भी मैंने सुने हुए गाने, पंख हो गया, सांस ले हो गया, और भी एक दो गाने हैं इस वाइब में। ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहा हूँ, बट अभी मेरा जिस तरीके का मूड हो चुका था सीधे मौत को लेके, लाइक सीधे मौत ने जिस तरीके का लोगों को वाइब दे रखा था अपना, उन्हें एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा ही आएगा, बट ऐसा नहीं आया इन्होंने। दिस इज गुड यार, एंड व्हाट्स अप विद द बीट, ये जरूर काम ने प्रोड्यूस किया होगा। वो अकेले में जो पकड़े सर खो, वो जो ढूंढे हैं वो नहीं, यहाँ बताया गया है वो चीज़, ओहू वैसी कि उसके लिए कोई जगह नहीं। तो है इतना सॉफ्टली अच्छे से गाया है, मतलब काम ने कितना, लाइक इतनी ज़्यादा सिंगिंग भी नहीं है इसमें, और फिर भी स्टिल अच्छा सुनने को लग रहा है। लाइक द पार्ट जब कूहू बोलता है, कूहू एंड फिर देन ऊहू, मस्त लगता है। सो अकेले में पकड़े वो सुर, यहाँ जो उसको चाहिए वो यहाँ नहीं है, और उसकी वजह से अकेलापन हो रहा है, अकेलापन ही इसका दोस्त है बस, उसके अलावा और कोई दोस्त भी नहीं है। नाइस, I guess this is gonna be a poetic. I'm waiting for encore verse.
एबीजे का वर्ड्स भाई सुनने का मन कर रहा है अभी, क्योंकि ऐसे पोएटिक सॉन्ग्स में एबीजे हमेशा किल करता है। क्या बोलूंगे तुम्हारा झूठूं मुझे ब्रो। तुमने अभी सुना क्या बोला भाई? एबीजे जितना पोएटिक ना अभी सीन में कोई भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ब्रो। ही सो पोएटिक, अभी तुमने इसका 50% भी नहीं देखा है पोएटिक वर्सेस अगर लिखने पे आए तो। तुमने रावल और भाग की एल्बम में सुना होगा सब चाहिए में एक गाना था, उसमें सुना होगा तुमने। तुमने फ्रापे ऐश का जो गाना है एक विश यू वर हेयर, उसमें एक एबीजे का वर्ड सुना होगा। और भी एक दो गाने हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, बट मैंने सुने हैं ब्रो। ही सो पोएटिक, अभी ही जस्ट सेड अगर उदासी तुम्हारा झूठ है, उदासी अगर तुम्हारी सच है तो आई एम योर लाई। सो इट्स काइंड ऑफ एक सच होता है एक झूठ होता है, एक उदासी होती है एक खुशी होती है। तो अगर उदासी तुम्हारा सच है तो बचा क्या, झूठ और खुशी। तो आई एम योर लाई यानी कि आई एम योर हैप्पीनेस। वू भाई, I'm guessing this is the meaning of this line actually, क्योंकि कुछ भी poetic लिखने से, मैं 50 बार बोल चुका हूँ, कोई भी आर्टिस्ट कोई भी poet अगर कुछ भी poetic लिखता है तो वो चीज़ वो किस thought से किस mindset से लिख रहा है, you can't get it, मतलब इतना easily नहीं लगा सकते तुम। हर कोई अपने अपने मतलब से अपने अपने तरीके से relate करके उसका मतलब निकाल सकता है। एग्जैक्ट मतलब निकालना में भी किसी का तरीका मैच हो, किसी का रिलेट कर जाए, मैच हो जाए, लेकिन कोई श्योर नहीं हो सकता कि हाँ इसी को लेके लिखा है। सच है तुम्हारा झूठूं मुझे बसा लो खुद में, बना लो खुशबू ऐसे बहाने बंदे, कहूं तो सच तो रो तू है नहीं कोई, तेरा एक दोस्त यहां पे है, बातें बनाने में 100 लोग यहां पे है, हर रोज एक नया मेहमान, तू हो रही है अपनी पहचान, दिल में तू रखे राज, क्यों बिखरने देने आज तू, वो बस तेरे जिस्म खो गए कभी हो गए, मारा तुझको टुकड़े हो गए है तू कैद, वो तुझको रोके बच के निकले फूके जोटे, स्पर्श में खोजे तू जो से तू प्यार के तोहफे, चल संभल के हर कदम पे दर्द प्रचंड है लेकिन न बदतर नहीं, अकेले में ही सहा लेकिन किसी से न कहा, पिटने वाली उसने करी कोई हरकत नहीं, पर ब्रो एनकोर का वर्ड्स मैं दोबारा सुनूंगा एक बार। खो गए कभी हो गए, मारा तुझको टुकड़े, क्यों बिखरने देने आज तू, वो बस तेरे जिस्म खो गए कभी हो गए, मारा तुझको टुकड़े हो गए है तू कैद, वो तुझको रोके बच के निकले फूके जोटे, स्पर्श में खोजे तू जो से तू प्यार के तोहफे, चल संभल के हर कदम पे दर्द प्रचंड है लेकिन न बदतर नहीं, अकेले में ही सहा लेकिन किसी से न कहा, पिटने वाली उसने करी कोई हरकत नहीं, पर थकी हारी है बैठी कैदी से, अंदरूनी बातें बातें सह भी नहीं, नशे और म्यूजिक ला
बैठी है उसे भी सी नादान पर कायर अकेले में जो परेशान कुहू मौजा ढूंढे है वो नहीं यहाँ बताया गया है वो चीज उहू ऐसी कि उसके लिए कोई जगह नहीं। तो वोकल्स में चल रहा है, एक तो काम के वोकल्स लीड में चल रहे हैं, एक और काम के वोकल्स बैकिंग वोकल्स में चल रहे हैं, और साथ में मुझे लग रहा है एबीजे के भी वोकल्स हैं मिड में, कुछ ना कुछ लो वॉल्यूम पे एबीजे के भी वोकल्स चल रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा सा। And the whole video is in one shot. तुम ना एक दिन जरूर काम को बेस्ट प्रोड्यूसर में गिनने वाले हो, मैं बता रहा हूँ। मैं तो अभी से गिनने लग गया हूँ, लेकिन लोग भी सुनने वाले हैं काम को बेस्ट प्रोड्यूसर में गिनेंगे, देख लेना। सेज ऑन द बीट, करण कंचन, इन सब के बगल में बैठेगा, मतलब लगाया जाएगा काम का नाम भी एज अ प्रोड्यूसर। भाई मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस लेवल की प्रोडक्शन इस गाने में है और जिस लेवल की प्रोडक्शन आई थिंक इस मिक्सटेप में है, क्योंकि नान चाकू का बीट, नमस्तुते का बीट, और वो कौन सा था जिसमें लोका को इन्होंने विलन बनाया था, वो गेम वाला, वो क्या नाम था उस गाने का, वो याद नहीं आ रहा, बट वो गाने का भी बीट बहुत ही मस्त था। नान चाकू याद नहीं आ रहा, छोड़ो। तो वो भी बीट, मतलब पूरे मिक्सटेप की बीट आई थिंक काम ने बनाई है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन है। और ये वाला गाना मेरे को बहुत ही सरप्राइज़ लगा कि अचानक से ये गाना आ गया। अभी तक मेरा मूड और कुछ था सीधे मौत को लेकर, अचानक से ये वाला वाइब दे दिया इन लोगों ने, मज़ा आ गया। बाकी क्या ही बोलूँ। एंड मेरे को एक कन्फ्यूज़न है गाने में कि ये बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट देयर सेल्फ, दैट हाउ दे हैव ग्रोन अप, अपने आप को कितना इन्होंने ग्रो कर लिया है किस इस चीज़ में। एंड दे बी लाइक के अकेले में बैठे लगाते सुर, एंड दीज ऑल थिंग आर दे टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, और दे आर टॉकिंग अबाउट किसी और के बारे में बातचीत चल रही है। थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न है, अगर तुम्हें पता है इस चीज़ के बारे में तो मुझे नीचे बता दो भाई कमेंट्स में क्या सीन चल रहा है। बाकी मैं थोड़ा और सुनूंगा तो मेरे को समझ में आ ही जाएगा। तो अभी के लिए बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सी यू। एंड इन ओवर टू डू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और कमेंट करके जरूर जाना है अगर अच्छा लगे तो प्लीज़। और मेरा गाना भी जरूर सुन लेना अगर तुम्हें अच्छा लगे तो, उसका नाम है विशेज, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर पसंद आए तो जरूर 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 सुनना, ठीक है। सो अभी के लिए चलते हैं, बाय।